बांदा AIMIM की बांदा इकाई के तत्वावधान में आज दलितों और मुसलमानों पर सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार और झूठे मुकदमे दर्ज करने के विरोध में जन आक्रोश धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम DM बांदा को ज्ञापन देकर अपनी मांगे महामहिम तक पहुंचाने की मांग की। AIMIM की बांदा इकाई ने आज लगभग आधा सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम DM बांदा को ज्ञापन सौंप कर अपने विभिन्न मांगों को रखते हुए बताया कि सरकार द्वारा दलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाना बंद हो, सरकार दहशतगर्दी पर तत्काल रोक लगाकर हर आमो खास की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे, राज्य सरकार बुलडोजर नीति के तहत मुसलमानों के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रही है, देश प्रदेश में नफरत फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के आह्वान पर पूरे देश व प्रदेश में चल रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं व बुलडोजर कार्रवाई को रोकने को लेकर आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने प्रमुख रूप से मांग रखी है कि देश व प्रदेश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोका जाए और देश में व प्रदेश में बुलडोज़र की कार्रवाई जो गैर कानूनी तरीके से भेदभाव तरीके से चलाई जा रही है उसको तत्काल रोका जाए। साथ ही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाना चाहिए। साथ ही भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 के सेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी मामले हैं उनका निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कराया जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।